हे गाइस, आप लोगों के एग्जाम बहुत ज्यादा नियर हैं, तो मेरे को लगा आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर जब हम बात करते हैं इग्नू की, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू फेस ना करना पड़े। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और आज हम बात करने वाले हैं थिंग्स टू रिमेम्बर बिफोर एग्जाम। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको रिमेंबर होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आप 2 या 3 दिन पहले, अगर मैं अपनी तरफ से एडवाइस दूं तो 1 हफ्ता पहले उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके ऊपर अगर आपको फोटो पेस्ट करनी है तो फोटो पेस्ट कर लीजिए, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं एडमिट कार्ड पर, जो जो एप्लीकेबल होनी चाहिए, उन चीजों को आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें। तो अपना एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें, उसके ऊपर फोटो पेस्ट कर लें और सेंटर को जरूर विजिट करके आए। आई नो अगर आपने सेंटर देख रखा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपका सेंटर दूर है तो एक बार कैसे भी करके टाइम निकाल कर, या फिर अपने फादर, कजन, रिलेटिव या किसी भी रिलेटिव को भेजकर सेंटर पे जरूर एक बार होकर आए। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर एटलीस्ट 2 पेन जरूर ले जाएं। अब बच्चे कहते हैं कि सर ब्लैक पेन यूज कर लें, रेड पेन यूज कर लें। देखिए सीधी सीधी सी बात है, अगर आप ब्लैक पेन यूज करोगे या फिर रेड पेन यूज करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बहुत बच्चे कहते हैं, मैंने देखा है कि भाई सर हम तो ब्लैक पेन भी यूज कर रहे हैं, दे आर राइटिंग द क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। ब्लैक पेन को यूज करने को आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, ना ही रेड पेन को यूज करने के मार्क्स मिल रहे हैं। 2 पेन लेके जाएं, दोनों ब्लू लेके जाएं। 2 इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इट मे पॉसिबल कि किसी की इंक लीक हो जाए तो दूसरा एटलीस्ट आपके काम पर रहे। और 2 घंटे का पेपर है, एग्जाम विल बी ऑफ द 2 आवर। नेक्स्ट पॉइंट, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे एडमिट कार्ड में 3 आवर लिखा हुआ है। वो 3 आवर बेटा इसलिए लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपके साथ अलग अलग सब्जेक्टों का एग्जाम होना है और MAPC यानी कि साइकोलॉजी की, चाहे वो फर्स्ट ईयर की बात करें या सेकेंड ईयर की बात करें, तो आपके सारे सब्जेक्टों का एग्जाम जो होगा 2 ईयर का है, 2 आवर का है। सिर्फ और सिर्फ 3 आवर का जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी वाला जो एग्जाम है वो सिर्फ आपका कितने का है, 3 आवर का है, बाकी सारे आपके 2 आवर के हैं। तो नो मैटर वट एवर इट इज रिटन इन योर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखा हो, मेक श्योर डेट आपके माइंड में रहे कि एग्जाम 2 घंटे का है। इवन अगर आपका एग्जामिनर भी आके कह जाए तो भी नहीं मानना। बहुत सारे सेंटरों पर ऐसा होता है कि एग्जामिनर या फिर एग्जाम वहां पर फर्स्ट टाइम हुआ होता है तो वो कह देते हैं कि आपसे 3 घंटे का है, जो कि मेरे साथ हुआ था, बट आखिरी के जब आधा घंटा बचा तो उन्होंने कहा नहीं, हमने क्रॉस चेक करा है और आपका एग्जाम 2 आवर का है। तो कोई कुछ भी कहे, आपके एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिख रखा हो, एग्जाम आपका 2 घंटे का है, 3 आवर का है क्यों है, ये भी मैंने आपको आपको बता दिया है। सिर्फ आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी जो कि आपका सेकेंड ईयर में है उसका एग्जाम 3 आवर का है, अदरवाइज कोई भी एग्जाम आपका 2 आवर से ज्यादा का नहीं है। 2 पेन ब्लू पेन लेके जाए। 4th पॉइंट की बात करते हैं, मेक श्योर टू रीच द 20 मिनट बिफोर। वाई? देखिए क्या रहे है, काफी ज्यादा गर्मी है, इट में पॉसिबल आप ट्रैफिक में फंस जाए, राइट। वहां पहुंचकर, क्योंकि एग्जाम सेंटर, अगर एग्जाम पे सेंटर पहली बार पड़ा हुआ है तो वहां पर अगर आप देखोगे, अभी आपने जिन बच्चों ने इग्नू में एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे है, बट जब हम बात करते हैं इग्नू की, इग्नू सेंटर्स की, तो वहां पर कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं होती है। कई बार जो सेंटर जहां पढ़ रखा होता है उनको भी कुछ नहीं पता रहता है कि किस तरफ है, कहाँ कहाँ जाना है, और अगर जहां पर आपका सेंटर पड़ा है वो काफी बड़ा स्कूल है तो उन लोगों को भी नहीं पता रहता है कि आपका किस तरफ है। दे विल जस्ट से कि आप वहां पर रोल नंबर चेक कर लीजिए और आप रोल नंबर या फिर रूम में इधर उधर घूमते रहेंगे, कई बार रूम नंबर भी नहीं डले रहते हैं। तो इसलिए 20 मिनट बिफोर पहुंचे, एंट्री जल्दी से जल्दी ले पहले दिन और अपना रूम देख के वहां पर बैठे, शांत रहें और जो क्वेश्चन करके गए हैं उन पे और अपने आप पे बिलीव रखें। ऑलवेज कैरी ए वाटर बोतल। अब देखिए वाटर बोतल इसलिए नहीं क्योंकि गर्मी पड़ रही है, डेफिनेटली वाटर बोतल इसलिए लेके जाएं कि गर्मी पड़ रही है, प्लस जहां सेंटर है वहां पर पानी आपको गर्म मिलेगा, और क्या पता कि जो आपका सेंटर हो वहां पर जो पानी जो मिल रहा है वो गर्म मिल रहा हो और बेकार पानी मिल रहा हो, तो अपनी वाटर बोतल जरूर लेके जाएं ताकि हाइजीनिक का भी आपके साथ सेफ रहे और आपकी हेल्थ को भी कोई इश्यू ना रहे। ओके, तो वाटर बोतल जरूर लेके जाना। राइट द कोर पार्ट। अब हम एग्जाम पेपर की बात करते हैं कि जब भी आप एग्जाम पेपर ले, तो आपने बहुत ज्यादा ये सुना होगा बच्चों से कि भाई
कुछ भी लिख दो, इग्नू वालों को कुछ पता नहीं चलता है, दैट इज टोटली रॉन्ग। अरे दे आर द फैकल्टी, दे आर फैकल्टी फॉर द 5 to 10 ईयर, वाई दे डिड नॉट नो एनीथिंग, राइट। तो आप ये जो आप लोगों से सुना है कि कुछ भी लिख दो, कैसा भी लिख दो, उनको बड़ा पता चलने वाला है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ कोर पार्ट लिखें, कोर पार्ट इन द सेंस कि जो उसका कोर पार्ट है, जो मेन पॉइंट है वो लिखें, इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें। अब बच्चे कहते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा लिख के आया हूं, बिलीव मी आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, राइट। उसके बारे भी हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स का अगर आंसर है तो कितने पेज आपको लिखने हैं। बट हमेशा याद रखें कि जब भी आप आंसर लिखें, कोर पार्ट पे रहें, तो उसके आसपास अगर आपको लग रहा है कि वर्ड कम पड़ रहे हैं तो जाएं, अदरवाइज कोर पार्ट पे रहें। और जो भी एग्जाम्पल दे, देखिए कुछ भी लिखिए उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिए, और एग्जाम्पल एकदम सिंपल या फिर रियल लाइफ से, इसे रियल लाइफ से रिलेटेड देंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बम्बास्टिक वर्ड का यूज ना करें कि आपने एक्सेसिव वर्ड्स का यूज कर रखा है कि वो एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है कि इतनी हार्ड इंग्लिश इस बच्चे ने क्यों लिख दिया। सिंपल इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस का यूज करिए, एग्जाम्पल जरूर दीजिए किसी भी चीज को, किसी भी थ्योरी, किसी भी डेफिनेशन को लिखते वक्त। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर इन द सिंपल वे बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन द साइकोलॉजिकल टर्म। अब सिंपल वे का मतलब है कि आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश का यूज करिए, बिल्कुल ऐसा समझाइए कि एग्जामिनर बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है। जब आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते हो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, बट रियल लाइफ के एग्जाम्पल देते समय ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप उस पेपर में जो साइकोलॉजी का पेपर है तो साइकोलॉजिकल टर्म ही यूज ना करें, साइकोलॉजिकल टर्म यूज करें और सिंपल और रियल लाइफ के एग्जाम्पल देंगे, बिलीव मी यू विल गेट द बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि हमें जो साइकोलॉजिकल टर्म्स है यहाँ पर उसका यूज करना है किसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, सिंपल टर्म होगी, लेकिन हमें साइकोलॉजिकल टर्म का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पे बिलीव रखिए ना कि अपने दोस्तों पर या फिर जो आपके क्लास में बैठे हुए हैं। अगर कोई कह रहा है कि ये मेरे को पता है, ये मेरे को आता है, मेरा आंसर सही है, हाँ जितना आपने करा है, जिस हिसाब से करा है, यू नो योर सेल्फ बेस्ट। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप से काम रखिए। 2 घंटे का पेपर है, अगर आप एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे, एक दूसरे की तरफ बात करते रहेंगे, 2 घंटे कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। हमेशा पेपर जब भी देने जाएं इस मेंटेलिटी से जाएं कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ के जाएं, ऐसा ना सोच के जाएं कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और अगर कुछ छूट गया है तो अपने आप पे बिलीव रखिए कि वो आएगा भी नहीं, ठीक है। अपने आप पे बिलीव रखिए ना कि अपने दोस्तों पर। क्वेश्चन नंबर 9, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करके आए। ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं पास हो गया, मेरे 20 या 40% मार्क्स आ गए या फिर 50% मार्क्स का मैंने कर दिया है, अब मेरे को इससे ज्यादा करना नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इट मे पॉसिबल चाहे आपने गलत लिखा है बट आपने ट्राई करा है और एग्जामिनर आपको उसमें 1 या 2 मार्क्स दे दे, तो सिर्फ पास होने के इरादे से बिल्कुल ना जाए। जब तक 2 घंटे नहीं हो जाएंगे तब तक आपको अपनी सीट से उठना नहीं है, ना ही पानी पीने के लिए, ना ही वॉशरूम जाने के लिए। ये सारी चीजें पहले करके जाएं। इग्नू के सेंटर पर आप देखोगे बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, दे जस्ट वांट अ डिग्री। कुछ बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर ध्यान बिल्कुल ना दीजिए। इन्वायरमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि आपको बिल्कुल शांत रहेगा या फिर बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। हाँ, इग्नू में जो सेंटर मिलते हैं नॉर्मली ऐसे ही मिलते हैं, वहां पर आपको पानी भी कुछ साफ कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है, या मिल भी सकता है, राइट, बट शोर शराबा जरूर वहां पर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आप देखोगे बच्चे 1 घंटे में जा रहे हैं, आधे घंटे में जा रहे हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना पेपर पूरा अच्छे तरीके से करते जाए। अब बात करते हैं कितने मार्क्स में कितने पेज लिखने हैं। तो देखिए जहां पर लिख रखे हैं मार्क्स, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए 3 से 3.5 पेजेस नॉर्मली लिखे जाते हैं, राइट। अब आप 4 पेज भी लिख सकते हो और 5 पेज भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर जो बाद वाले क्वेश्चन है उसमें आप फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं करना कि एक आंसर 10 मार्क्स का है जो उसमें आप 3 से 3.5 पेज लिख रहे हो, दूसरा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर आपने 2.5 या 2 पेज ही भरे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस बच्चे को नहीं आता है। एक सिमिलरिटी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए कि मैं कोई भी क्वेश्चन चूज कर रहा हूं उसका एक ब्लूप्रिंट,
रफ वर्क में बना के रखूं ताकि मैं उसके अंदर क्या कर लिख रहा हूं, पॉइंट लिख लिए। मैंने 10 पॉइंट लिख लिए हैं, अब मेरे को पता है इन 10 पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मेरे पास पेज की लिमिट कितनी है, 3 से 3.5। वर्ड काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, पेज लिमिट आप देख के चलिए। थोड़ा नॉर्मल जो बच्चे लिखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा छोटे लिखते हैं उनके लिए 3 पेजेस हो सकते हैं, जो ज्यादा बड़ा लिख सकते हैं वो 4 पेज जा सकते हैं, बट जो नॉर्मल लिखते हैं 3 से 3.5 पेज 10 मार्क्स के लिए सफिशियंट रहते हैं। क्वालिटी वाइज लिखिए, कोर पार्ट पे बात करिए। 5 मार्क्स के लिए 2 से 3 पेजेस आप लिख सकते हैं, राइट। आप इसके अंदर 2.5 पेज आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 2.5 का हाफ भी आ सकता है। जब मैं पेजेस की बात कर रहा हूं तो एक पेज की दोनों साइडों की तरफ मैं बात कर रहा हूं, पहली साइड और दूसरी साइड। यानी कि अगर मैं एक पेज ले रहा हूं तो उसकी फ्रंट और बैक साइड को मैं 2 काउंट कर रहा हूं, फ्रंट फर्स्ट साइड होगी, बैक साइड आपकी 2 होगी। इस तरीके के मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये पूरा एक जो एक पेजेस है, यानी कि ये इसकी फ्रंट है और ये बैक है, ये इसकी फ्रंट है, ये एक बैक है, तो ये मिलकर आपका क्या हो गया, 1 पेज हो गया। ऐसे करके आपको 3 से 3.5 पेज भरने। यहां पर 2 से 3 के बीच में आप भर सकते हो, 2 से 2.5 या फिर 2 से थोड़ा और ज्यादा भी भर सकते हो। ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी पे मैटर करिए। रियल लाइफ की एग्जांपल दीजिए, उसके अंदर साइकोलॉजिकल टर्म का यूज करिए। क्वालिटी इज मच मोर एप्रिशिएबल देन द क्वालिटी। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द कैफीन शॉट, आई होप आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, टेक केयर।